हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकेलाल सीरीज की कॉमिक काटो काटो का दूसरा भाग। मोहक भतीजे, जल्दी से बाहर चलो, लगता है महाराज पर उस गिलहरी का विष चढ़ गया है और वह कटखने हो गए, कहीं वे हमें काट ना लें। बाकेलाल चाचा, मैं उस गिलहरी को ढूंढकर खत्म करके रहूंगा जिसने मेरे पिताश्री को काटा है। और तभी, मोहक बेटे, तुमने तो महाराज को बुलाकर लाने में बड़ी देर कर दी। बाकेलाल कहाँ है महाराज? अंदर होंगे, मैं देखता हूँ। मैं भी नहीं रोकूंगा। सेनापति तेजी के साथ कक्ष में प्रवेश कर गया। ओ, आप तो अंदर ही है महाराज, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? दांत क्यों दिखा रहे हो? मंजन नहीं किया क्या? सेनापति, एक पप्पी दोगे? वो तो आप बाकेलाल की लेते हैं महाराज, वही मुंह लगा है ना आपका, मुझे तो आप तुच्छी समझते हैं। अब आप कह रहे हैं तो मना भी नहीं कर सकता। अरे मगर आ काट खाया, खचाक बचाओ महारानी जी, बचाओ, महाराज ने काट खाया। वाह वाह, आओ महारानी जी, देख लो, बचा लो, ई पैर काट खाया। अबे छोड़ मोटे, उफ मोटे के हाथों छूटना आसान नहीं लग रहा। आई हे भगवान, बाकेलाल महाराज को क्या हो गया है? महारानी जी, मैं यही बताने तो आया था कि एक गिलहरी के काटने के बाद महाराज पिलपिले व कटखने हो गए हैं। बाकेलाल दुष्ट, जब तुम्हें पता था कि महाराज काट खाएंगे तो तुमने मुझे आगे बढ़ने से रोका क्यों नहीं? ओ, सेनापति का काम बढ़ते रहना है, इसलिए हमने तुम्हें नहीं रोका। वाह, कित 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 कित, आ यहां तो आप एक बार काट चुके हैं महाराज। ई, अरे मुझे कोई तो छुड़ाओ। पर छुड़ाएगा कौन? प्रबंध मंत्री, सेनापति को छुड़ाओ। मेरा काम तो प्रबंध करना है, मैं सेनापति को छुड़ाने का प्रबंध करने जाता हूँ। खान पान मंत्री, तुम छुड़ाओ। अरे मैं तो दाल चूरे पर चढ़वा आया था, दाल जल रही होगी, मैं दाल उतरवा कर और सब्जी चढ़वा कर आता हूँ महारानी जी। नारा मंत्री, तुम छुड़ाओ। बोलो महाराज, सेनापति को छोड़ दो। बेचारा सेनापति बुरा फंस गया था। महाराज, ये मेरी नाक है, इसे मत काटो। मुझे तो ये मूली नजर आ रही है, काटने तो सेनापति ही। कचा बाकेलाल, कुछ करो, अब तो करना ही पड़ेगा। एक तरकीब सूझ रही है महारानी जी। बाकेलाल की तरकीब सचमुच काम कर गई। ओ मेरा प्यारा बाकेलाल, बाकेलाल सिर्फ एक पप्पी लूंगा। आ मर गया, काट खाया। अबे छोड़ क्यों दिया, काट और काट, भागो। सेनापति, वो सब तो पता नहीं क्यों डर कर भाग गए, एक पप्पी और लूंगा बस, तेरे अच्छे सेनापति। तब किसी प्रकार विक्रम सिंह की कैद से छूट निकला सेनापति। अकल काम कर गई महाराज को काटने के लिए, मैं जूता देकर भागने बच निकला और मैंने महाराज को रस्सी से भी बांध दिया है ताकि वो बाहर ना आ जाए। छी, ये अच्छी चीज नहीं है। जबकि उसी समय राज दरबार में महाराज को काटने का दौरा पड़ गया। महारानी जी, अगर महाराज को कुछ ना कुछ काटने को दिया जाता रहे तो शायद वो हमें नहीं काटेंगे। काटने के लिए चीजों का प्रबंध करो प्रबंध मंत्री। करता हूं महारानी जी। मेरे ख्याल में काटने के लिए चमड़े की चीजें ठीक रहेंगी, जैसे जूते, चप्पल, घोड़े की काठी, पानी की मशक, नहीं गन्ने और कच्ची सब्जी का प्रबंध किया जाए। जल्द ही प्रबंध हो गया। लीजिए महाराज, ये गन्ना काटिए। हाथी ने खाए अपने, आपने खाए, एक ही बात है। आनंद ही आनंदम। सारी सब्जियां अंदर ले आओ, आज बावर्ची खाने की सारी सब्जियां भी महाराज से ऐसे ही कटवाओ। उधर मोहक सिंह को नजर आ गई गिलहरी। ये रही गिलहरी, अब ये मेरे हाथों से बचकर नहीं जा पाएगी। पलंग के नीचे घुसकर तेरी चटनी बना डालूंगा कमखत। ची 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 ही, मुझे पता था तू मेरे पीछे पीछे पलंग के नीचे जरूर घुसेगा और मैं ऊपर से आकर तुझे काट लूंगी। ही। और जिसे कट्टो गिलहरी काट लेती है वो हो जाता है कटखना व पिलपिला। कच आई, मोहक सिंह की चीख पहुंची उन सभी मंत्रियों, राज दरबारियों, स्वर्णलता व बाकेलाल के भी कानों में। और फिर ये चीख तो मेरे पुत्र मोहक सिंह की है, उसे क्या हुआ? चलो देखें, चीख इसी कक्ष में से आई है। ओ, वह गिलहरी को ढूंढने गया था, कहीं गिलहरी ने उसे भी तो नहीं काट खाया। माताश्री, मुझे गिलहरी ने काट खाया, मैं पिलपिला हो गया, अब मेरा दिल भी सब कुछ काट खाने को कर रहा है। हाय मेरा पुत्र, इसे इसी कक्ष में बंद कर दो। समस्या वाकई गंभीर थी। बाकेलाल, उस गिलहरी को फौरन ही ढूंढकर पकड़ना होगा। यह काम तो सेनापति जी करेंगे, मगर मैं तो छुट्टी लेकर अपनी ससुराल ढूंढने जा रहा हूं। अपनी होने वाली बीवी के हाथ से अपने जख्मों पर मरहम लगवाऊंगा। किंतु महामंत्री ने आदेश दिया, सेनापति तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ सैनिकों के साथ महल का चप्पा चप्पा छान मारो और गिलहरी को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महामंत्री जी, अब तो तलाश करनी पड़ेगी उस गिलहरी की। लेकिन उस दिन महल में एक के बाद एक कई चीखें गूंजी। आ बचाओ, हाय काट डाला। घबराई हुई रानी स्वर्णलता पहुंची बाकेलाल के कक्ष में। बाकेलाल, ये इतनी सारी चीखों के स्वर कैसे थे? पता नहीं महारानी जी, मैं तो खुद यही जानने के लिए आपके पास आ रहा था।
और तभी बचाओ महारानी जी बचाओ बाकेलाल बचाओ। क्या हुआ प्रबंध मंत्री? महाराज रस्सा तोड़ाकर बाहर आ गए और जो भी उनके सामने पड़ जाता उसे ही काट लेते हैं। थोड़ी देर पहले महाराज ने एक दासी को काट खाया। बाकेलाल मैं तुम्हारी पप्पी लूंगा, काटूंगा नहीं सच्ची। नहीं मुझे पता है मोटू काटेगा। कच बाकेलाल भागो। तभी कहाँ जा रही है महारानी जी? ये रही मेरी गिलहरी, आखिर मैं इसे नदी किनारे से ढूंढी लाया। ची 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 क्या कहा? मुझे ढूंढ लाया? मैं तो यहाँ हूँ। लेकिन इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिलता, सामने जो सूरत उसे दिखाई पड़ी उसे देखकर भय से चीख पड़ा सेनापति। सेनापति सिर्फ एक पप्पी लूंगा। कित 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 कित। सेनापति उल्टे पाँव वापस भागा। लेकिन इसी पर हवा में उछली वह गिलहरी भी और कच कहीं वही कट कट गिलहरी तो नहीं है। घर कित 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 काट डालूंगा, सबको काट डालूंगा। कित 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 आज तो जबरदस्त खुजली हो रही है मेरे दांतों में, आज मैं नहीं रुकने की। इधर नगर में दहशत मचाता आ पहुंचा राक्षस मजबूत केतु। ये किसवा राज्य होगा जहां मैं अपनी विजय पताका फहराऊंगा, और चूंकि एक युद्ध में मैं एक ही शस्त्र का चुनाव कर सकता हूं, इसलिए यहां मैं लड़ूंगा मुक्का युद्ध। महाराज को फौरन इस राक्षस के आगमन की सूचना देनी होगी। आई जबकि विक्रम सिंह बांके और स्वर्णता का पीछा करता पहुंच चुका था अस्तबल के निकट और आग काट खाया। बाकेलाल तू ना सही घोड़ा ही सही। बाकेलाल महाराज ठीक कैसे होंगे? इससे पहले कि बाकेलाल कोई जवाब देता, बाकेलाल जी महारानी जी गजब हो गया, राक्षस मजबूत केतु ने अपनी मायावी मुक्का शक्ति के साथ विशालगढ़ पर आक्रमण कर दिया है। मजबूत केतु? लो बाकेलाल एक और मुसीबत आ गई। ऐसी भयंकर खबर सुनकर होश खो बैठा बाके। आह मजबूत केतु आ गया, धार धार धार, मुझे फौरन सेना को बुलाना होगा। विशालगढ़ के राजा अपनी पूरी सेना लेकर महल से बाहर आ जा। जबकि इधर कट्टू एक के बाद एक सैनिकों को काट काट कर पिलपिला व खटखना करती चली जा रही थी। ची 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 इसको मिलाकर हुआ 20,000। उफ आज तो मेरे दांतों की खुजली मिटी नहीं रही। कित 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 आ मरा। जबकि महामंत्री पहुंच चुका था सेनापति के सामने। ओ सेनापति को भी गिलहरी ने काट कर खटखना बना दिया, लेकिन अगर मजबूत केतु को रोका ना गया तो विजय पताका महल पर फहरा देगा। कच कच सेनापति मजबूत केतु नाम के राक्षस ने महल पर आक्रमण कर दिया है, तुम उस पर आक्रमण करो वरना वो यहां कर हम सबको काट देगा। ओ सैनिकों को लेकर मैं अभी वहां पहुंचता हूं, आज मैं उसे ही काटूंगा। इधर मजबूत केतु ने अपनी धमकी को पुनः दोहराया। विशालगढ़ के राजा तू बाहर नहीं आ रहा तो ले मैं ही अंदर आता हूं। इस बार ललकार जा पहुंची राजा विक्रम सिंह तक आए। ये कौन ललकार रहा है मुझे? अबे राजा होकर ऐसी हरकत करते शर्म नहीं आती, मुझे देख मैं कुत्ता होकर भी तुझे नहीं काट रहा। विक्रम सिंह बाहर आ गया। बाकेलाल उठो होश में आओ। ओ ये तो राक्षस है। हाँ मैं मजबूत केतु राक्षस हूँ, तो कौन है? लेकिन बाकेलाल तो कर रहा था बेहोश होने का नाटक। मैं यहाँ का राजा विक्रम सिंह हूँ। आ हा हा राजा अपनी हार कबूल कर, क्योंकि मुझ पर तेरे काटे का कोई असर नहीं होगा। तभी सेनापति भी आ गया सैनिकों के साथ। आप पीछे हट जाइए महाराज, मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर इसे काटूंगा। ओ सेनापति हा 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 मुझे सेना की प्रतीक्षा थी, क्योंकि मैं सैनिक मारे बिना युद्ध नहीं जीतता, और तुम्हारे सैनिकों को मारेंगे मेरे ये मायावी मुक्के। था था था। अरे वाह महाराज, हम पर तो इसके मायावी मुक्कों का असर ही नहीं हो रहा। हाँ क्योंकि हम हो चुके हैं पिलपिले। सेनापति पप्पी दे रहा है? नहीं महाराज हरगिज नहीं। तो भाग क्यों रहा है? आ हम दोनों मिलकर राक्षस को काटते हैं। हा 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 मुझे कोई कैसे भी नहीं मार सकता, राक्षस उन्हें अपने वरदान के विषय में बताता चला गया। बाकेलाल उठो, इस राक्षस से तुम ही हमें बचा सकते हो। अगर मैं उठकर खड़ा हुआ तो ये राक्षस मुझे फिर मुक्का मारकर बेहोश कर देगा। इन पर तो मेरे मुक्कों का असर ही नहीं हो रहा। हे, मुझे तो गुदगुदी हो रही है। पिलपिला होने के कारण पर राक्षस के गुच्छों का असर ही नहीं हो रहा। आज तो एक भी नहीं मरा, लेकिन जब ये मरेंगे नहीं तो मैं विजय नहीं कहलाऊंगा। वरदान के मुताबिक युद्ध जीतना मेरे लिए जरूरी है, तो फिर अब मैं खुद इन्हें अपने मुक्कों से मारूंगा। महाराज लगी तो नहीं? कपड़ों की धूल झड़ी है, पप्पी दे रहा है ना? पप्पी दे रहा है या नहीं साफ साफ बता। इनमें से तो एक भी नहीं मरा, लगता है मुझे ही मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा। राजा विक्रम सिंह सेनापति और 20,000 सैनिकों को मुक्का मारता मारता मजबूत केतु सहसा लड़खड़ा कर गिर पड़ा। ये मुझे क्या हो रहा है? हे भगवान मैं तो गिर रहा हूँ, अरे मेरी तो सांस भी उखड़ने लगी है। तो क्या मैं मर रहा हूँ? पर मुझे तो शंकर भगवान का वरदान मिला हुआ है, मैं मर कैसे सकता हूँ? तभी प्रकट हुए शंकर भगवान। वत्स हमने कहा था ना कि युद्ध जीतना तुम्हारे लिए अनिवार्य होगा, और अब यही तुम्हारी मृत्यु का कारण है। इसी के साथ मजबूत केतु के प्राण पखेरु उड़ गए। और इधर अरे हम ठीक हो गए और अब हमारा काट खाने का भी दिल नहीं कर रहा। बाकेलाल तेरी योजना की टांग एक बार फिर टूट गई, अब उठकर खड़ा हो। तभी आ गया मोहक सिंह भी। पिताश्री
ये सारी खुराफात बाकेलाल चाचा की है, गिलहरी इन्होंने महल में लाकर छोड़ी थी। गिलहरी खुल गई ये बोल भी। बाल्टी भर पानी डालकर बाकेलाल को होश में लाया गया, लेकिन तब तक बाकेलाल अपने बचाव की कहानी सोच चुका था। मैं कहाँ हूँ? बाकेलाल उठो और हमें बताओ कि ये सारी गड़बड़ क्या थी। चल बेटा बाकेलाल शुरू हो जा। महाराज सीधी सी बात है, जैसे ही मुझे शंकर भगवान ने मजबूत केतु के हमले के विषय में और उस गिलहरी की शक्ति के विषय में बताया तो मैं उसे यहाँ ले आया, वरना उसके मुक्का युद्ध से किसी का भी बचना नामुमकिन था। फूटी किस्मत। ओह अगर ये बात है तो फिर हम ठीक कैसे हो गए? और वह गिलहरी अब कहाँ है? वो गिलहरी यहाँ है। तुम तो सुंदर युवती हो। हाँ दरअसल मजबूत केतु ही वह राक्षस था जिसकी मायावी शक्ति से ऋषि 100 वर्षीय की मति भ्रमित हो गई थी और उन्होंने मुझे गिलहरी बन जाने का शाप दे दिया था। इस दुष्ट के मरते ही सब पर से मेरे कांटे का असर समाप्त हो गया। मेरी मांग भरने वाले मेरे स्वामी भी अवश्य मेरे कांटे के असर से मुक्त हो गए होंगे, इसलिए मैं भी अपने वास्तविक रूप में लौट आई हूँ। तभी कट्टो कट्टो मैं भी आ गया, आज से साधुगिरी खत्म, क्योंकि अब से मैं गृहस्थ आश्रम शुरू करूंगा। स्वामी और फिर मेरे प्याके लाल, मेरे प्यारे बाकेलाल अब तो पप्पी दे दे। कच। ओ महाराज आप तो अभी भी ठीक नहीं हुए। मुझे महाराज ने इतना काटा कहीं मैं पागल ना हो जाऊं। समाप्त। तो चलिए दोस्तों वीडियो का यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स। पीछे पड़ा भालू में, तब तक के लिए धन्यवाद।